अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जाफर आब्दी और आप देख रहे हैं आब्दी इन्फोवर्ट्स। भैया, हमारे बचपन के दौर में जितनी वैरायटी आजकल फूड्स में है ये नहीं थी। केचप नहीं था, मायोनीज नहीं थी, सॉसेस नहीं हुआ करते थे, और आजकल जो है एक बड़ी वैरायटी जो है वो इन सब आइटम्स की है। डेफिनेटली भैया, इनको परचेज करने में आपके जेब से नोट भी लगते हैं जो कि उस ज़माने में नहीं लगा करते थे, और फिर हम ये रो रहे होते हैं कि यार खर्चे पूरे नहीं हो रहे। तो अगर आपने खर्चे पूरे करने हैं इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए, तो भैया आपका भाई आपके लिए हाजिर है और वो आपको बताएगा कि किस तरह से आपने स्मार्टली परचेजिंग करनी और अपने पैसे सेव करने, जितना हो सके आपने अपने पैसे सेव करने। तो आज हम बात करने जा रहे हैं यंग्स चिकन स्प्रेड की। जैसे कि हमारी कंज्यूमर बेस्ड मार्केट में जितनी भी फॉरेन कंपनीज हैं उनका भैया राज है, और तकरीबन अक्सर आइटम जो है वो आपको फॉरेन कंपनीज के ही मिलते हैं। ये यंग चिकन स्प्रेड भी प्योरली पाकिस्तानी बेस्ड कंपनी है, और बड़ी बात है कि ये अपनी क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है वो इन्होंने मेंटेन किए हैं किसी भी अच्छी कंपनी के हिसाब से। तो आज हम बात करते हैं कि इसके कितने पैकिंग साइज मार्केट में अवेलेबल हैं, उनकी क्या प्राइसिंग है, और फिर उनमें आप कौन सा पैकिंग साइज लेने में फ़ायदा है, और उसको छोड़ के अगर आप दूसरा कोई पैकिंग साइज आज तक खरीदते रहें तो उसमें भैया कितना लॉस है और आप अभी तक कितना लॉस अपना कर चुके हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि फर्दर आप जो है वो गलती नहीं करेंगे। चिकन स्प्रेड के इस वक्त मार्केट में 5 साइज पैकिंग साइज अवेलेबल हैं। सबसे छोटा 20 रुपये वाला है जिसमें 25 ml ये प्रोडक्ट मिलता है, उससे बड़ा 85 रुपीज़ जो कि 100 ml इसमें ये प्रोडक्ट आपको मिलता है, इससे बड़ा 200 ml जो कि 180 रुपीज़ में इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है, फोर्थ वन 500 ml जो कि इस वक्त मार्केट में 380 रुपीज़ में अवेलेबल है, और लास्ट वन 1000 ml 1 लीटर जो कि इस वक्त मार्केट में 690 रुपये के प्राइस टैग में मार्केट में अवेलेबल है। देखने के लिए इसमें हमें कौन सा पैकिंग साइज सस्ता पड़ रहा है, हम इसकी प्राइस को, इसके वेट को इसकी प्राइस से डिवाइड करते हैं और फिर देखते हैं कि हमें 1 रुपये के अंदर इन सारे पैकिंग साइज में कितना कितना मटेरियल ये कंपनी दे रही है। अगर हम बात करें 20 वाले सांचे की, इसके अंदर 25 ml है, दैट्स मीन 1.25 ml इसमें आपको कंपनी ये प्रोडक्ट दे रही है। सेकेंड वन 85 रुपीज़ की 100 ml, दैट्स मीन 1.17 ml इसके अंदर आपको ये प्रोडक्ट मिलती है। थर्ड वन 200 ml 180 रुपीज़ में, दैट्स मीन इसके अंदर आपको 1.11 ml ये कंपनी ये प्रोडक्ट आपको मिलती है। फोर्थ वन 500 ml जो कि 380 रुपीज़ में दस्तियाब है, दैट्स मीन इसके अंदर आपको 1.3 ml ये प्रोडक्ट मिलती है। लास्ट वन 100 ml जो कि 690 रुपीज़ में अवेलेबल है, और इसके अंदर ये आपको प्रोडक्ट कंपनी 1.44 ml 1 रुपये के अंदर देती है। दैट्स मीन के जो आपका बेस्ट वैल्यू ऑफ मनी है वो आपका ये 1 किलो वाला पाउच जो है ये है। अब इसको छोड़ के अगर हम दूसरे पैकिंग साइज लेते हैं तो उसमें हमें कितना लॉस है वो देखते हैं। वो इसको छोड़ के भैया अगर आप लेते हैं 500 ग्राम वाला, तो 500 ग्राम वाला लेने में आपको 35 रुपये का लॉस है। 345 रुपये का प्रोडक्ट इसमें कंपनी दे रही है इस 1 किलो वाले के कंपेरिजन में, और आपको 35 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। 200 ml की बात करें, 200 ml में आपको 42 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। 180 रुपये की प्रोडक्ट है ये, 138 रुपये का इसमें आपको कंपनी प्रोडक्ट दे रही है 1 किलो के कंपैरिजन में, और आपको 42 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। अब हम बात करें 100 ml की, 100 ml में आपको 16 रुपये का लॉस है। 85 रुपये की प्रोडक्ट है इसमें, 69 रुपीज़ की जो वेट है ml के हिसाब से वो कंपनी आपको दे रही है 1 लीटर के कंपेरिजन में, और इसमें आपको 16 रुपये का नुकसान है। हमारा 20 वाला जो प्रोडक्ट है उसमें भैया 17 रुपये का आपको मायोनीज मिल रहा है और 3 रुपये का लॉस है। तो भैया ये इसकी एक्चुअल फिगर है। अब इसके अंदर सबसे बड़ा जो ट्विस्ट है वो ये है कि इन सारे पैकिंग साइज में आपको सबसे महंगा जो पैकिंग साइज पड़ता है वो आपको ही पड़ रहा है भैया ये 200 ml, और आसादी तौर पर मार्केट में ये 200 ml जो है वो ही सेल होता है। कंपनी की आप स्ट्रेटजी देखें कि जो सबसे ज़्यादा सेल होने वाला इनका पैकिंग साइज़ है वो सबसे महंगा कंपनी ने रखा हुआ है, उसमें प्रॉफिट मार्जिन कंपनी को सबसे ज़्यादा है, और हम उसको हंस खेल के ख़रीद रहे होते हैं बगैर ये अंदाज़ा लगाए हुए कि भाई हमें इतने का पड़ रहा है। आप ये अंदाज़ा करें 42 रुपीज़ में ये आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं इसमें, जब आप ये ख़रीद रहे हैं तो इसमें आप 42 रुपीज़ अपने एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। मज़े की बात ये है कि जो आपका बेस्ट वैल्यू ऑफ मनी है 1 किलो वाला, ये 1 किलो वाला पाउच मेरे भाई मैं 3 दुकानों पे मैंने जाके पता किया होलसेल की, तो
तो चौथी दुकान से जाके मिला है। मैंने उससे पूछा कि भाई क्या रीज़न है, या आप लोग 1 किलो वाला रखते क्यों नहीं है? तो वो कह रहे हैं कि भाई 1 किलो वाला चलता ही नहीं है। होल सेल की दुकान पर अगर एक चीज़ मौजूद नहीं है, इसका मतलब है उसकी डिमांड बिल्कुल ही नहीं है मार्केट में। अगर आप चिकन स्प्रेड लगाते हैं अपनी ब्रेड के ऊपर, तो भैया आप अपने पैसे बचाएं, आप इसका 1 किलो वाला प्रोडक्ट ले लें, ये आपको इन सब में सस्ता पड़ेगा। और अगर आपके पास जेब में नोट कम है कि आप 1 किलो वाला नहीं ले सकते, तो फिर क्या करें? तो भैया इसके बाद दूसरे नंबर पे ये 500 ml है, ये ले लें, या फिर अगर ये भी नहीं ले सकते तो फिर आप ये छोटा वाला पैकिंग साइज कर लें, ये इस्तेमाल करें। ये और ये दोनों चीज़ें ना लें भैया, इन दो में जो है ना आपकी बचती है ठीक ठाक, और सबसे ज़्यादा सेल भी इन दोनों की ही होती है मार्केट में। तो ये आप अंदाज़ा करें कि आपसे कंपनीज किस तरह से जो है ना वो खेल रही हैं, कि कंपनीज आपको किस तरह से शिकार कर रही हैं, अपना प्रॉफिट मार्जिन आपकी जेब से किस तरह से निकाल रही हैं, और आप बआसानी जो है वो उनके शिकार बन भी रहे हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं हमारी वीडियोस देखने के बाद कि आप स्मार्टली डिसीजन ले सकेंगे किसी भी आइटम की परचेजिंग के हवाले से। आज तक इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। स्पेशली मैं ये कहता हूँ कि सब्सक्राइबर मेरे जो नहीं हैं उन तक भी वीडियो पहुँचे, कम से कम एटलीस्ट इस वीडियोस को देख के इतने एजुकेट तो हो जाएं कि वो अपनी मंथली परचेजिंग में सेविंग कर सकें। और ये सेविंग जो मैं आपको बता रहा हूँ ट्रिक्स, ये मुख्तलिफ आइटम की अगर आप कैलकुलेट करें भैया, तो महीने में ये 5,000 से ऊपर की कहानी है। हर आइटम पे आप इस तरह से सेविंग करते करते आप कैलकुलेट कर लें तो आपकी 5-8 हज़ार रुपये तक की कहानी है, जो आपके मंथली परचेजिंग में आप सेव कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अपनी किसी दूसरी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई प्रोडक्ट के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।